आज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत की अर्जी पर फैसला आना है, लेकिन इससे पहले एनसीबी ने उन चैट्स का खुलासा किया है जो आर्यन खान और एक अपकमिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस के बीच हुई थी और ये बातचीत ड्रग्स को लेकर हुई थी। ऐसे में अब सवाल ये है कि आर्यन खान के केस में अब भी और बड़े खुलासे होने बाकी हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीबी के हाथ लगे आर्यन की कुछ चैट में वो इस एक्ट्रेस के साथ ड्रग को लेकर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। एनसीबी ने इसे सबूत के रूप में अदालत के सामने पेश किया है। ये भी कहा जा रहा है कि ये एक्ट्रेस क्रूज पर मौजूद थी और शुरू में एनसीबी ने इसे जाने दिया। आने वाले समय में इस एक्ट्रेस से भी एनसीबी की टीम पूछताछ कर सकती है। एक्ट्रेस के साथ आर्यन की ये चैट उनकी जमानत में बड़ी अड़चन बन सकती है। ये एक्ट्रेस जल्द ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाली है। इसके अलावा कुछ ड्रग पेडलर्स के साथ आर्यन की चैट भी जमानत पर सुनवाई से पहले कोर्ट को सौंपी गई है। इससे पहले जजमेंट रिजर्व करते हुए जज पाटिल ने कहा था कि वो 20 अक्टूबर को बिजी हैं, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि उस दिन जमानत पर सुनवाई कर पाएं। इसलिए माना जा रहा है कि शुरू में जज इस फैसले का सिर्फ ऑपरेटिव हिस्सा ही सामने रखेंगे। 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए आर्यन 8 अक्टूबर के बाद से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। जेल में आर्यन को कैदी नंबर 956 का बैच मिला है। आर्यन की 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी 21 अक्टूबर को खत्म हो रही है और आर्यन के मामले में एनसीबी ने शुरू में ड्रग सेवन के लिए मामला दर्ज किया था। उन्होंने धारा 27, 28 और 29 को लगाया था। धारा 28 सेवन करने का प्रयास है, धारा 29 सेवन करने की साजिश है और धारा 27 सेवन के लिए है। इससे पहले आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए अनिल सिंह ने कहा था कि रिकॉर्ड और सबूत से पता चलता है कि आर्यन पिछले कुछ सालों से ड्रग्स का नियमित सेवन कर रहा है। एएसजी ने कहा कि आर्यन काफी प्रभावशाली हैं और जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ या उनके कानून से भागने की आशंका है। सिंह ने आगे कहा कि ठोस सबूत के आधार पर आर्यन और उनके दोस्त अरबाज की गिरफ्तारी हुई है। ड्रग्स रैकेट के विदेशी लिंक की जांच होनी है, ये बड़ी साजिश है और इसकी जांच होनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि आर्यन अरबाज से ड्रग्स लेते थे, इसलिए उन्हें जमानत नहीं देनी चाहिए। एनसीबी ने कोर्ट में व्हाट्सएप चैट भी रखी और दावा किया कि इस चैट की जांच से पता चला है कि ड्रग्स मामले में आर्यन की अहम भूमिका रही है। हालांकि माना जा रहा है कि आज दोपहर तक ये तय हो जाएगा कि आर्यन जेल में ही रहेंगे या फिर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।